छोटी ग्रैंड विटारा, या मैं कहूंगा इसको ब्लैनो का मिक्स। आगे से आपको ना तीन बैरल में आपको मिल जाएगी, ये आपकी DRL है, ठीक है। इंडिकेटर दे रखा है भाई, वो RVM पे ही दे रखा है। साइड में आप 16 इंच का अलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई, काफी देगा आपको। पावर विंडो का पूरा ऑप्शन मिल रहे हैं अपनों को। हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी नेक्सा की फ्रॉन्क्स। अब ये फ्रॉन्क्स है भाई, इसे मैं कहूंगा छोटी ग्रैंड विटारा, या मैं कहूंगा इसको ब्लैनो का मिक्सचर है ग्रैंड विटारा के साथ। तो ये मतलब एक मारुति नेक्सा ने मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, जो ग्रैंड विटारा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और ब्लैनो से थोड़ा सा अपग्रेडेशन चाह रहे थे, तो उनके लिए एक ये नई चीज निकाली है भाई। तो ये अब मैं देखिए, आप देखने में तो कुछ आगे से लगेगा ना आपको ग्रैंड विटारा, और अगर इसमें जो अंदर से इंटीरियर है वो ब्लैनो, इसलिए मैं कहूंगा भाई ये ग्रैंड विटारा और ब्लैनो का मिक्सचर है, और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं भाई छोटी ग्रैंड विटारा। तो भाई आज मैं इसका पूरा रिव्यू दूंगा, तो वीडियो बने रहिएगा। देखिए मैं इसकी है ना पूरी ऑल ओवर डायमेंशन आपको बता देता हूं। तो भाई इसकी डायमेंशन है भाई 3995 mm की इसकी लेंथ मिल जाएगी, और विड्थ मिलती है भाई 1765 mm की, हाइट 1550 mm की मिल जाती है, और व्हील बेस मिल जाता है भाई 2520 mm का भाई, बहुत खूब है। और 1.0 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन इसमें मिल जाता है भाई, और 73.60 किलो वॉट का ये मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। 147.6 मतलब न्यूटन मीटर इसका मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। तो भाई इस जो 5 मैनुअल ट्रांसमिशन हमें मिलते हैं इसमें मैनुअल में, और 6 मिलेंगे हमें, 6 मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, जो ऑटोमेटिक में होगा 6, उसमें 6 गियर के ट्रांसमिशन मिल जाएगा, और मैनुअल मिलेंगे हमें 5। तो पूरा बताता हूँ इसके बारे में पूरा रिव्यू करके। तो ये है पूरा भाई, ये देखिए आगे से आपको ना तीन बैरल में आपको मिल जाएगी, ये आपकी DRL है, ठीक है। इसी में आपका इंडिकेटर होगा, ठीक है। और नीचे भी देखिए जो हेडलैम्प दे रखी है वो 3 बैरल में आपको दे रखी है, ठीक है। और नीचे लाइट जलेगी तो कन्फर्म हो पाएगा, बेसिकली हो सकता है कि वो फॉग लैम्प का सेटअप हो सकता है। और आगे से जो आपको ग्रिल मिलेगी वो पियानो फिनिशिंग मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, फ्रॉन्क्स का लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, पर ये नंबर प्लेट की जगह है। और नीचे आपको ग्रे कलर की स्किट प्लेट मिल जाएगी। तो ऑल ओवर ये पूरा डार्क मैरून कलर में खड़ा हुई है स्टैम्प पे, ड्यूल टोन में, और ये टॉप एंड वेरियंट खड़ा हुआ है मेरे सामने। ये देखिए भाई, अब चलता हूँ मैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको ये देखिए, ये अपने को ORVM मिल जाएंगे, ठीक है। और जो इंडिकेटर दे रखा है भाई वो ORVM पे ही दे रखा है। साइड में आपको जो डोर हैंडल है इस तरीके से मिलेंगे, जो कि रुपयास बटन मिल रहा है हमें को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड दोनों जगह पे, ठीक है। ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मुझे अभी इसमें नहीं पता, तो मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा। और पीछे की साइड में आ जाता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ आपको, तो ये रहा आपको डिफॉगर मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा, मारुति सुजुकी का लोगो दिखाई दे जाएगा, और कनेक्टिंग पूरी टेल लैम्प मिल जाएगी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। पीछे स्किड प्लेट मिल जाएगी, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे आपको, और पीछे आपको रिफ्लेक्टर यूनिट आपको ये देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, ये मिल रही है। और ये पूरी ये देख रहे हैं आप इस तरीके से पूरी स्किड प्लेट मिल रही है आपको। स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग मिल जाएगी आपको देखने के लिए, हाई माउंट स्टॉप लाइट और शार्प पिन एंटीना मिल जाएगा, रूफ रेल आपको मिल रही है। और साइड में चलता हो भाई तो और ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर आपको ब्लैक में ही मिल रहे हैं, और क्वार्टर ग्लास आपको मिल जाएगा। इसका टायर देखिए अलॉय व्हील मिल रहा है, पेंटेड है, ठीक है। और इसका 16 इंच का अलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और देखिए ऊपर देखिए साइड में आपको ये डिजाइनिंग दे रखी है इस तरीके से, और नीचे स्किड प्लेट दिखाई दे रही है आपको, ये चारों तरफ ग्लाइडिंग दिखाई देगी आपको ये वाली, और आपको वो डिज़ाइन भी दिखाई देगी, दिख रहा है मतलब। कोशिश करता हूँ अंदर से भी आपको कुछ इंटीरियर थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँ। पीछे आपको ना पार्शियल ट्रे मिल जाती है, ठीक भाई। ये है इसकी डोर ट्रिम, और डोर ट्रिम में मैं देखिए सॉफ्ट टच दिखाई देगा आपको। पावर विंडो का पूरा ऑप्शन मिल रहे हैं अपने को, आगे की तरफ अपने देखिए बोतल होल्डर, मैप पॉकेट होल्डर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये पूरा इस तरीके से पूरा अपना डोर ट्रिम देखने के लिए मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट जबरदस्त मिल रहा है, स्टेयरिंग भी जबरदस्त मिल रहा है। जब आएगी शोरूम में तो आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। इस तरीके से पूरा इंटीरियर मिल रहा है, ड्यूल टोन मिल रहा है पूरा, ठीक है। और देखिए हाइट एडजस्टमेंट और सीट का रिक्लाइंग एंगल एडजस्टमेंट आपको पूरा दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है। रियर डोर की
प्रोफाइल पूरी डोर ट्रिम इस तरीके से मिल रहा है, पूरा सॉफ्ट टच मिल रहा है, पीछे भी बोतल होल्डर मिल रहा है और पीछे भी आपको अपना स्पीकर दिखाई दे रहा है और अंडर थाई सपोर्ट जबरदस्त है और पीछे के जो है अपने एसी वेंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और जो अगर मैं देखना चाहूँ तो पीछे आपको यूएसबी कनेक्टिविटी टाइप ए और टाइप सी दोनों मिल रही है इस तरीके से और अंडर थाई सपोर्ट जबरदस्त है इसका। तो ये पूरा कर्व में है, ठीक है, तो ये इसका पूरा रियर केबिन की प्रोफाइल है।